यू आर वॉचिंग पूंछ लाइव। आदाब नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर जो कि महेंद्र से आ रही है, जहां कुछ बच्चे दरिया में नहाते वक्त बह गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज तकरीबन शाम के 6 बजे कुछ बच्चे महेंद्र दरिया में नहा रहे थे, जिनमें से 3 बच्चे नहाते वक्त डूब गए, जिनमें से एक को लोकल्स की मदद से उसी टाइम रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन अभी भी 2 बच्चियाँ जो है वो लापता हैं, जिनको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। अभी भी ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें NDRF, आर्मी, पुलिस और सिविल अवाम मिलकर इन बच्चियों को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आएगी, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें पूंछ लाइव। इलाका है मेरा गांव का, तहसील मेंढर में, और शाम को तकरीबन 6:15 बजे कोई यहीं पास के मोहल्ले के कोई 10 से 12 बच्चे यहां दरिया में नहा रहे थे। तो जैसे कि रात को काफ़ी हैवी रेन हुई थी, तो आज पानी ज़्यादा था दरिया में, तो उससे क्या हुआ कि बच्चे जब यहां पे नहा रहे थे तो एकदम से 2 बच्चियां जो हैं वो पानी में डूब गई, और जो उनका तीसरा भाई था वो भी डूब रहा था, लेकिन अचानक साथ ही गाँव के एक लड़के ने उसको बचा लिया। तो लड़का तो बच गया है, लेकिन जो 2 लड़कियां हैं, जिनका नाम, एक का नाम है रिफत जो 10 साल की है, और एक आलिया है जिसको जो 8 साल की है, वो अभी मिल नहीं पा रही हैं। तो आर्मी और पुलिस और लोकल जो डाइवर्स हैं उनका जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सारा पूरी नज़र बनाए रखे हुए। हम दुआ करेंगे कि बच्चियाँ सलामत मिल जाएँ।